मारूफ गुलुकार सलीम शहजाद को मसीहा मिल गया। C10 न्यूज ने अपने गुज़िश्ता खबर में सलीम शहजाद की तबीयत नासाजी और बेहाली का जिक्र किया था। आज सलीम शहजाद आंखों की बिनाई मुतासर होने पर कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिस पर चेयरमैन नाथा फाउंडेशन रमजान नाथा की हिदायत पर उनकी टीम ने उनसे राबता किया और इलाज के लिए मदू किया, जिस पर सलीम शहजाद ने C10 से गुफ्तगू की और कहा कि मैं रमजान नाथा का ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा इलाज मुमकिन बनाया और मुझसे राबता किया। मैं कहता हूँ रमजान भाई का अखलाक से मेरी आधी आंखें अच्छी हो गई, ऐसा लगता है मैं हल्का हो गया, ये इनका मोहब्बत और खुलूस है। चेयरमैन नाथा फाउंडेशन रमजान नाथा का इस हवाले से कहना था कि सलीम शहजाद ने किसी निजी फलाही अस्पताल में आंखों का ऑपरेशन कराया जो कामयाब ना हो सका। मैं हुकूमत वक्त से और इन तमाम से अपील करूंगा कि भरपूर इनका साथ दें, इनका इनके साथ ताउन करें और नाथा फाउंडेशन जो भी इनके साथ कर सकता है भरपूर ताउन करेगा। इस वक्त ये मेरे पास जो है आई के मसले के लिए आँखों के परेशानी की वजह से है, कहीं से ऑपरेशन इन्होंने करवाया था जो इनकी आँख में लेंस ही गलत डाल दिया है और इन्हें परेशानी हो गई है, तो हम इंशाल्लाह इनका ये आँखों का तो इलाज बिल्कुल कराएंगे। फनकारों के लिए और स्टार्स के लिए जितने भी यहाँ मुल्क का जिस जिस किस्म के भी शोबे के अंदर मुल्क के जो सितारे हैं हम उनके लिए बिल्कुल भरपूर तरीके से जो है हम इनकी मदद कोविड में भी करते गए हैं, फर्दर भी करते जाएंगे। और मुझे जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से, मेरे देखने वालों से मैं भरपूर अपील करता हूं कि इनका सलीम शहजाद भाई का बिल्कुल साथ दें। इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता और खिदमत इंसानियत का ये सिलसिला इसी तरह रवा दवा रहेगा। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।